हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास थर्ड का लेसन नंबर थर्टीन स्नूटी गोल्डन बर्ड की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और इसका ग्रामर वर्कशॉप इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप वहाँ से कर सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए साथ में बेल आइकन दबाइए इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा ओके तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे इसका कंप्रीहेंशन पार्ट कंप्रीहेंशन में आपको पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके तीन ऑप्शन है तीन में से आपको राइट right ऑप्शन पर टिक करना है ओके okay? तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए द किंग हैज अ डैश बर्ड राजा के पास कैसा पक्षी था देखिए कॉपर या गोल्डन और सिल्वर तो राजा के पास कैसा बर्ड था गोल्डन बर्ड ऑप्शन बी होगा राइट स्टूडेंट्स इसका सेकेंड देखिए द गोल्डन बर्ड डैश आउट गोल्डन बर्ड बाहर कैसे देखिए वेंट गई गेम आई या आ, कूद कर आई फुदक कर आई। तो इसमें ऑप्शन सी होगा राइट थर्ड देखिए मंकी वाज हैंगिंग बाय हिज डैश मंकी जो था हैंगिंग होता है लटका हुआ था किससे अपनी टेल से या हैंड से या पाव से तो मंकी किससे लटका हुआ था बाय हिज टेल ऑप्शन ए होगा राइट इसका नेक्स्ट देखिए बी पार्ट टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रोंग स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट के लिए आपको टिक करना है और स्टेटमेंट के लिए आपको क्रॉस लगाना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए द मैन इन टू मैन था राजा का जो आदमी था वो उस पिंजरे को घने जंगल में ले गया एंड ओपन द डोर और उस uh, जो कैच था उसका दरवाजा खोल दिया तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट राइट right होगा सेकेंड देखिए शी मंकी अगेंस्ट द ट्रंक उसने एक मंकी देखा था उस ट्रंक के अगेंस्ट वो बैठी थी एंड सेम कलर और जो मंकी देखा था वो बिल्कुल उसके कलर का था तो स्टूडेंट्स क्या उसने वो मंकी देखा था सेम कलर का ये स्टेटमेंट रॉन्ग है उसने मंकी नहीं क्या देखा था चेमिलेन इट मींस गिरगिट देखा था जो बिल्कुल ट्रंक के कलर का था तो स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ देखिए द गोल्डन बर्ड हियर हिसिंग नॉइज उस गोल्डन बर्ड ने एक हिसिंग नॉइज सुना मतलब सांप की आवाज सुनी इन द ग्रास घास में एंड ये स्नेक केम बाय और वहां पे एक सांप आ गया तो स्टेटमेंट राइट है नंबर फोर शी हैड नेवर यूज हर विंग्स उसने कभी भी अपने पंखों का यूज नहीं किया था तो ये स्टेटमेंट भी राइट होगा स्टूडेंट्स क्योंकि वो रा, जब राजा के महल में रहती थी पैलेस में रहती थी तो उसको जो कुछ चाहिए होता था इजीली मिल जाता था और उसने कभी भी उड़कर नहीं देखा था तो इसलिए उसके जो पंख थे बहुत ही वीक थे तो इसलिए क्या कहते हैं कि शी नेवर यूज हर विंग्स उसने कभी भी अपने पंखों का यूज नहीं किया था नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुबल वर्ड्स यहाँ स्टूडेंट्स देखिए आपको बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करके इन फिलअप में आपको फिल करना है एक बार हम इनके मीनिंग देख लेते हैं कलर मीन्स यू नो रंग ब्यूटिफुल सुंदर टेल पूछ विंग्स पंख फर्स्ट फिलअप देखिए द मंकी बाय बाईज डैश मंकी जो था लटक रहा था किसके द्वारा देखिए बाय हिज टेल अपनी पूंछ से सेकेंड देखिए शी फ्लैप्ड हर उसने अपने फ्लैप्ड मीन्स होता है फड़फड़ाए उसने अपने फड़फड़ाए क्या विंग्स पंख जब वो उसने चील को देखा था तो ईगल को देखा था तो वहां से वो उड़ने की कोशिश कर रही थी और अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी तो यहाँ पे विंग्स आएगा थर्ड देखिए द गोल्डन बर्ड वॉज जस्ट द डैश ऑफ फ्लावर्स फूल के कलर का बिल्कुल कौन था वो गोल्डन बर्ड जो थी वो किसके कलर की थी बिल्कुल ही फ्लावर के कलर की तो स्टूडेंट्स में क्या ऑप्शन आएगा कलर द गोल्डन बर्ड वॉज जस्ट द कलर ऑफ फ्लावर फूल के कलर की थी ओके नंबर फोर देखिए शी उसने गाए हर अपने क्या देखिए सॉन्ग फॉर दैम एवरीडे उनके लिए गाने गाए प्रत्येक दिन अपने कैसे गाने गाए थे उसने हर ब्यूटीफुल सॉन्ग अपने सुंदर सुंदर गाने गाए थे प्रत्येक दिन उनके लिए Okay, तो इसमें ब्यूटीफुल ऑप्शन आएगा देखिए, नीचे आपको कुछ क्वेश्चन राइट करने हैं ओके okay? तो फर्स्ट क्वेश्चन बर्ड उस बर्ड के पंखों का रंग कैसा था फेदर मींस पंख okay? तो आंसर देखिए द कलर ऑफ द फेदर्स उन पंखों का रंग था ऑफ द बर्ड बर्ड के वाज येलो येलो कलर था देखिए, देखिए, मैं तुम्हें पेड़ के टॉप पर खाने की सबसे अच्छी जगह बताऊंगा। ये ये शब्द, किसने किसको कहे थे तो किसने कहे थे देखिए मंकी सेट दीज वर्ड टू गोल्डन बर्ड मंकी ने ये वर्ड गोल्डन बर्ड को कहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इन ग्रास घास के अंदर कौन आवाज कर रहा था हिसिंग साउंड कौन कर रहा था तो आंसर क्या होगा स्नेक हिसिंग कौन करता है किसका साउंड है स्नेक का आंसर देखिए स्नेक वाज हिसिंग इन द ग्रास एक सांप जो था वो घास में हिसिंग का साउंड कर रहा था क्वेश्चन नंबर फोर देखिए हु कैन चेंज हिज कलर इन द इनर डेंजर खतरे के समय कौन अपने कलर को चेंज कर सकता है स्टूडेंट्स यू नो

सब्जेक्ट okay? या तो कोई नाउन होगा और या फिर परनाउन होगा कोई भी सेंटेंस नाउन या परनाउन सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है लेकिन जब कोई सेंटेंस किसी वर्ब uh, के साथ अगर हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं ठीक अगर सब्जेक्ट की जगह वर्ब के सब्जेक्ट uh, के प्लेस पे वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो तो वो हो स्टूडेंट्स होता है जेडेंट फॉर एग्जाम्पल देखिए डिगिंग इज इजी यहां देखिए डिग क्या है वर्ब है और डिग के साथ हमने आई का यूज किया है ना तो ये डिगिंग इज इजी तो यहाँ पे जो ये जो डिगिंग है यानी कि जिरन है यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ओके नेक्स्ट सेकंड putting it back in the best thing to do अब जो putting it back इसको वापिस रखना सबसे बेस्ट थिंग है तो put क्या है वर्ब और put के साथ हमने ing लगाया और ये जो ये ing हमने लगाया है हम सब्जेक्ट के प्लेस पे जिरंड का यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये होते हैं जिरंड यानी कि वर्ब के साथ ing का यूज होता है कहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे तो वो होते हैं जिरंड यहाँ देखिए ई पार्ट में री दिस सेंटेंस है शोन अबो जैसे कि ऊपर आपको दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये सेंटेंस री करने हैं फर्स्ट सेंटेंस देखिए इट वॉज लवली टू लाई अंडर द ट्री ये बहुत ही प्यारा है पेड़ के नीचे लेटना अब इसको जिरिन फॉर्म में हमने चेंज करना है स्टूडेंट्स जिसका सब्जेक्ट है वो हमने जिरुन बनाना है तो कैसे करेंगे लाइंग अंडर द ट्री वॉज लवली बहुत ही इजी है देखिए लाई जो वर्ब है क्या है लाई लेटना और इसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे और इसका यूज हम सब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे ओके लाइंग अंडर द ट्री वाज लवली सेकंड देखिए टू ड्रिंक वेरी हॉट टी इज डिफिकल्ट अब इसी तरह से यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है ड्रिंक और ड्रिंक के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे कहां पर सब्जेक्ट के प्लेस पर तो ड्रिंकिंग वेरी हॉट टी इज डिफिकल्ट बहुत गर्म चाय पीना डिफिकल्ट है थर्ड नंबर देखिए टू ईट ऑयली फूड इज अनहेल्दी ऑयली फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है अनहेल्दी है के okay? तो कैसे करेंगे इसमें वर्ब क्या है ईट तो ईट लगाएंगे और आ, साथ में क्या करेंगे आईएनजी ईटिंग ऑयली फूड इज अनहेल्दी नेक्स्ट फोर देखिए आफ्टर द रेन बारिश के बाद टू जंप ओवर द पैडल्स वाज फन अब जंप और जो पानी के जो गड्ढे बन जाते हैं बारिश में तो उस पर कूदना बहुत ही मजेदार होता है तो इसको कैसे करेंगे देखिए देखिए आफ्टर द रेन इट अब इसको हमने सिंपल जैसे बना हुआ था जो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग बनाना है ना तो क्या करेंगे इट वॉज जम्प इट वॉज फन टू जम्प ओवर ओके नंबर फिफ्ट देखिए इट इज ए गुड गुड एक्सुडिया टू वॉश द वेजिटेबल्स यह बहुत अच्छा आइडिया है क्या वॉश द वेजिटेबल सब्जियों को धोना इसी को भी हम कैसे करेंगे में चेंज करना है तो इसमें वर्क क्या है वॉश वॉश के साथ हम आई एन जी का यूज करेंगे वॉशिंग वेजिटेबल्स इज अ गुड तो स्टूडेंट्स ये होते हैं एक बार मैं आपको फिर से बता दूं जब किसी सेंटेंस में हम नाउन और पर नाउन के प्लेस पर एक ऐसे वर्ड का यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे कहां पर सब्जेक्ट के प्लेस पर तो वो होते हैं जेरेन ओके आई होप स्टूडेंट्स आपको जीरो अच्छे से समझ में आया होगा तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट वोकैबुलरी वोकैबुलरी में आपको टॉपिक दिया गया है सिंगुलर प्लुरल का स्टूडेंट्स अगर आपको सिंगुलर uh, नाउन को प्लुरल नाउन में चेंज करना सीखना है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने आपको काफी सारे रूल बताए हैं कि किस तरह से आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हो लेकिन इस टॉपिक में वोकैबुलरी पार्ट में आपको टॉपिक दिया गया है सिर्फ किस तरह से कि आप स्पेलिंग चेंज करके सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हो इसमें सिर्फ यही बताया गया है।, okay? है, है, है जैसे कि स्टूडेंट्स कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिसको स्पेलिंग चेंज करके हम प्लुरल नाउन में चेंज करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथ टूथ को

देखिए एफ आर्ट में नाउ दी रीराइटेंस यूजिंग द द फॉर्म ऑफ इन कलर कलर आपको आपको वर्ड वर्ड में एक नॉन दिया गया है इसकी स्पेलिंग चेंज करके आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल देखिए आई फाउंड माई मदर टॉकिंग टू अ वूमेन मैंने अपनी मदर को एक वुमेन से एक लेडी से बात करते हुए देखा एक औरत से बात करते हुए देखा तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट कलर पार्ट का चेंज करना है हमें तो यहाँ पे वुमेन का क्या हो जाएगा वीमेन फॉन्ड माई मदर टॉकिंग टू वीमेन यहां स्टूडेंट आपको एक और बात ध्यान देने वाली है कि यू मे हैव टू मेक अदर चेंजेस थ्रू इन द सेंटेंस आपको सेंटेंस में अगर नाउन वर्ड के अकॉर्डिंग कोई चेंज लाना है तो वो भी आप कर सकते हो अब यहाँ चेंज वाली बात कैसे है कि स्टूडेंट्स ए जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगता है तो यहाँ जब हम इसको नाउन uh, वर्ड को प्लूरल में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ ए का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ए जो है प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगता के okay? तो यहाँ पर हम ए को कट कर देंगे आई फाउंड माई मदर टॉकिंग टू ओके केकेंड देखिए द मैन आई स्पोक टू माई फादर्स फ्रेंड जिस आदमी से मैंने बात की वह मेरे पिताजी का दोस्त था अब यहाँ पे कलर वर्ड को चेंज करना है तो यहाँ द मैन अब यहाँ तो है फादर का जो फ्रेंड की बात की जा रही है वो एक है लेकिन हमें इसे प्लूरल में चेंज करना है ना तो क्या होगा द मैन वो आदमी बहुत सारे आदमी की बात की जा रही है वे आदमी सिंगर नाउन के साथ लगता है और हमें क्या करना है प्लुरल नाउन के लिए लगाना है तो आई स्पोक टू वर्ड माई फादर्स फ्रेंड यहाँ फ्रेंड है एक है तो हमने ऐसा नहीं लगाया और यहाँ हमें प्लूरल फ्रेंड को भी बनाना होगा तो फादर्स फ्रेंड के थर्ड देखिए ए चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द गार्डन एक बच्चा गार्डन में खेल रहा था तो यहाँ चाइल्ड दिया हुआ है जो कलर पार्ट है इसको हम क्या करेंगे चिल्ड्रन और एक हम नहीं लगाएंगे कि स्टूडेंट्स ए जो होता है सिंगुलर नाउन के साथ लगता है तो यहाँ प्लूरल नाउन में हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ हम ए का यूज नहीं करेंगे चिल्ड्रन अब यहाँ वर्स था क्योंकि सिंगुलर नाउन था और यहाँ प्लूरल नाउन है तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे वर्ब वर्ब

आगे लाओ वन वन अनदर अनदर आफ्टर एक के बाद दूसरा तो फुट को हमने में चेंज करना है तो कैसे करेंगे रेज योर हैंड इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे एंड ब्रिंग योर फुट को क्या कर देंगे फीट ब्रिंग योर फीट फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर तो इस तरह से स्टूडेंट हम सिंगुलर नाउन को प्लूर नाउन में चेंज करेंगे और uh, बाई स्पेलिंग ठीक है स्पेलिंग भी चेंज करेंगे दूसरी चीज क्या प्लुरल बनाना होता है तो वहाँ हमें कुछ और भी चेंजेस करने होते हैं जैसा की मैंने आपको यहाँ बताया था हमें हेल्पिंग वर्ड में भी चेंज करना होता है या फिर कुछ और वर्ड्स होते हैं उनको भी हमें प्लुरल बनाना पड़ता है तो स्टूडेंट्स यहाँ होता है हमारा लेसन नंबर थर्टीन कंप्लीट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ थैंक यू